हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आयत इनायत इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फहीम अंसारी, मैं आयत नगर फेस वन में आया हूं और आरिफ पठान जी का रूम का पोजीशन है, जैसे मेरे पीछे भाई खड़े, इनका रूम है 1 BHK का और ये 1 BHK का रूम हम लोग ने बना करके इनको दिया है और ये रूम के अंदर रहने आने वाले है और इनके रूम पूरा टोटल कम्प्लीट हो चुका है और सामान भी डालेंगे, आते रहते जाते रहते हैं। तो हम लोग पहले रूम का वीडियो दिखाएंगे, बाद में इनका इंटरव्यू भी लेंगे किस तरीके से इन्होंने हमारे से रूम बना करके लिया है और यहाँ पे किस तरीके से रहने के लिए आएंगे, क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे आपको सब दिखेगी। दिवाली ऑफर भी चल रहा है और काफी अच्छी सारी चीजें सिद्धि विनायक नगर संगम नगर में काफी बुकिंग भी चालू है, तो मिस मत करो ये सब चीजों को। तो हम लोग जो है पहले वीडियो दिखाते हैं फिर बाकी की सारी बातें आगे करते हैं। आयत नगर का अभी नीचे चेकर्स लादी लग के पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, तो जैसे आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हो ये पूरी चॉल हमारी टोटल कम्प्लीट हो गई है। ये रूम सामने आप जैसे देख रहे हो ये पूरा का पूरा ये 1 BHK का आरिफ भाई का रूम है। तो चलते हैं रूम के अंदर। ये रूम जो है 300 स्क्वायर फीट का है, ऐसा रूम जो है बना करके कभी किसी कस्टमर को नहीं मिलता है। रीज़न सिर्फ ये है कि क्योंकि 10x30 का लंबा रूम है, ऐसे रूम बहुत कम बनते हैं, ये इनके नसीब में था इसके लिए इनको मिल गया। तो आपके सामने इन्होंने ऊपर लाइट नहीं डाला है, PVC सीट के ऊपर लाइट रहती है हमारी, यहाँ पे विंडो निकाल के लिया है, बीच में बेडरूम है इसके लिए। सिंगल आदमी है, घर के अंदर ज़्यादा पीपल नहीं है इसके अंदर। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये बोर्ड वगैरह लगा हुआ है और ऊपर ये 3x3 की विंडो है। ये आप रूम देख रहे हो, ये है टोटल 10x30 का रूम। ये देखिए ये 10x30 के अंदर यहाँ पे बीच में बेडरूम है, तो बेडरूम के अंदर चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेडरूम ज़्यादा बड़ा नहीं, स्मॉल बेडरूम निकाला इन्होंने इनके हिसाब से, क्योंकि इस वक्त की सिचुएशन में इनको बाथरूम बड़ा चाहिए था तो इन्होंने ये बाथरूम जो है यहाँ पे बड़ा करके लिया। अभी थोड़ी सी सीलन लगी हुई है क्योंकि बारिश का मौसम अभी ख़त्म हो सूख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए गैप दिया हुआ है। यहाँ पे पैसेज है, पैसेज के ऊपर POP किया हुआ है। आप जैसे हम लोग अंदर चलते हैं, ये अंदर आए तो किचन आ जाता है, किचन के ऊपर 2 सेल्फ लगवा के लिया है इन्होंने और ये किचन के ऊपर फुल टाइल्स हमारी रहती है। 1000 लीटर की पानी की टाकी लगवा के लिया है, जो कि हमारी कंपनी की टाकी है आयत इनायत इंटरप्राइजेस की, इसको 5 साल की वारंटी दी हुई है हमने। और यहाँ पे आमने सामने टॉयलेट बाथरूम है, जैसा आप देख रहे हो कस्टमर की ख्वाहिश के हिसाब से ही रूम बनाए जाते हैं हमारे टोटल। यहाँ पे देखिए ये टॉयलेट है और ये इनका बाथरूम जो कि काफ़ी बड़ा है, बेडरूम के अंदर चला गया है क्योंकि इन्होंने बड़ा करके लिया। आप देख रहे हो जैसे कि इसको स्पेस काफ़ी बड़ा है। तो अरे आरिफ पठान जी और उनकी मम्मी जो है यहाँ आई हुई है और हम लोग जो है बात करेंगे इनसे, इन्होंने हमारे से जो ये रूम लिया किस तरीके से हमारे से जुड़े और कैसा हमारे से ये रूम लिया। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको ये रूम दिखाया आरिफ पठान जी का, इन्होंने ये 300 स्क्वायर फीट का रूम लिया है हमारे से और कैसा हमारे से बुकिंग किए और उनकी अम्मी और उनके भतीजे साथ में आए हुए हैं, पूरी फैमिली यहाँ पे अभी रहना स्टार्ट करने वाली है। तो हम लोग जो है बात करते हैं इनकी मम्मी और आरिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल चाल है खाला? बस ठीक है, दुआ है माशाल्लाह। अभी हमारे खाला से थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे, अभी हमारे को कितना जानते हैं अभी खाला ही बताएंगे और हमारे आरिफ भाई बताएंगे। तो खाला हमारे को सबसे पहला आप लोगों ने कहाँ देखा था? मैंने YouTube पे देखी थी, तीन दिन हो गया था देख के, ये चौथे दिन में हाफिस को आए और ताबड़तोड़ बुकिंग कर दी। ताबड़तोड़ बुकिंग करा है। तो आप रहने के लिए किधर देखा था? सूचक नाके पे। कल्याण? कल्याण सूचक नाके से रहने के लिए। और कितने साल से रेंट पे हो खाला? 14 साल से रेंट पे रह रहे, माशाल्लाह 14 साल से रेंट पे रह रहे हैं और ये भी रूम रेंट पे लिया इन्होंने और ये यहाँ पे अभी EMI मतलब रेंट देते रहेंगे महीने का कितना है डिपॉजिट? डिपॉजिट अरे वहाँ ये वाला रूम ये ना भाड़े पे, ये ना हाँ, भाड़े पे नहीं लिया। तो अरे भाड़े का रूम है, भाड़े का रूम लिया है खाला ने और आरिफ भाई ने भी। आरिफ भाई यहाँ पे रहने के लिए आएंगे? तुम जैसा बोलेंगे वैसा, मेरे को टेंशन नहीं तुम्हारे, देखो जो बोल देंगे वो कबूल हो जाएगा, भरोसा है भाई को। और अभी इस वक्त जो है खाला का जो है पोजीशन हो रहा है और यहाँ पे रहने के लिए 14 साल के बाद एक घर बना है खाला, घर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा, खुश हो गया। ऐसा लगता है कि कुछ मिला, ऐसा कितने दिन से बाहर से रह रहे थे तो ऐसा लगता है कि सुकून हो गया एकदम, टेंशन फ्री हो गए। क्या काम करते हो आरिफ भाई? मैं ना अपना अंधेरी में जॉब करता हूँ, अपना CCTV BMS फायर सिस्टम वगैरह। तो कोकिला बेन हॉस्पिटल है, कोकिला बेन अंधेरी, उसमें हम लोग टेक्निशियन। तो मेरे वीडियोस आपको मिलने के बाद आप लोगों ने तुरंत बुकिंग कराए थे या फिर सोचे? आपका वीडियो YouTube पे सर्च मारा था प्रॉपर्टी का, तो आपका वीडियो सामने आया तो आपके देखा 3-4 वीडियो में,
फिर उसके बाद अम्मी को बताया तो फिर बोले ठीक है चल भरोसे वाले है फहीम भाई फिर उसके बाद तुरंत आ गया। ऐसा क्यों लगा कि मतलब चलो ये महीने की ईएमआई पे मिल रहा है दुनिया बेच रही है इन्हीं के पास से लेना ऐसा क्यों लगा आपको? नहीं आपकी जो स्कीम है बहुत बेस्ट है हाँ। वैसी स्कीम कोई नहीं देता। अच्छा हाँ क्योंकि स्कीम तो बहुत जगह चालू है मैंने देखा स्कीम चालू है बट बहुत जगह फ्रॉड है। अच्छा बहुत जगह फ्रॉड है मतलब कहीं जगह पे फंसते लोग पैसा देते फिर उसमें कैसा होता है पैसा फंस जाता तो सब लोगों को काउंटिंग में गिनती करना चालू कर देते कि ये लोग ने ऐसे ही काम किया मतलब पैसे लेते हैं दूसरे लोग और फिर उसके बाद में नहीं देते तो पूरे एरिया का नाम खराब होता है। हाँ वो तो है बट तुम्हारा वैसा नहीं है तुम्हारा माशाल्लाह मैं आया तुम्हारा वीडियो देखा मेरे को तुम्हारा वीडियो देख के ही तुम्हारा नेचर तुम्हारा जो भी है आदत वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी हाँ। तो फिर वो हिसाब से मैंने ना क्या किया कि जैसा तुरंत मेरा 7-8 दिन हो गए आके तुरंत ऑफिस पे बुक कर दिया था तुम ही थे तुम्हारे से मिला था फर्स्ट जो मुलाकात हो गई थी हमारे फर्स्ट ईएमआई तुम्हारे महीने की ईएमआई भरते रहे हाँ, उसके बाद मैंने फिर वापस 50,000 भरा फिर उसके बाद और कितने टाइम के बाद 50,000 भरे मैंने तुरंत 2-3 महीने के बाद भरा 50 भरे फिर उसके बाद और थोड़े भरा था दादी 17-18-20 हजार ऐसा मतलब कोई पैसे मांगे आपसे पैसा दे बिल्कुल पैसे का कोई पैसे का कोई फोर्स नहीं था कुछ नहीं था कभी कॉल नहीं आया मुझे ऑफिस की तरफ से कि ईएमआई डालो ये करो वो करो तुम्हारा काम कुछ नहीं एकदम फ्री था कोई प्रेशर नहीं था मेरे दिल में जैसा आता था मैं पैसा डालता था और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मेरा पोजीशन अमाउंट 2 लाख रुपए बोले थे अब तो प्राइस भी बढ़ गया है पहले कितने में देता मैंने 7.5 लाख ये 7.5 लाख 2021 की बुकिंग है ना बोलते 2021 7.5 लाख का रूम है अभी इस रूम की कॉस्ट कितनी है 8.5 लाख 8.5 लाख रुपए यानी आपका बेनिफिट हो गया 1 लाख। अच्छा हमारे साथ जुड़ने में 1 लाख का बेनिफिट हुआ है ना जैसे अगर और भी ऐसी लोग कस्टमर लोग हमारे साथ जो जुड़े नहीं खाली वीडियो देख रहे वो देखते रह जाएंगे अगर उनको तुम्हारी परख नहीं है मतलब इतने ईमानदार इंसान है लोगों को इतना देते स्क्रीन पे भर तो वो देखते रह जाएंगे उनको तो मैं यही कहूंगा कि आए बुक करे ट्रस्ट एकदम ट्रस्ट वाले इंसान है जी आगे ऑफिस भी है माशाल्लाह हर चीज है फुल टेंशन नहीं है ऑफिस स्टाफ भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह बहुत अच्छा अभी इस वक्त आपके घर में फैमिली मेंबर कौन कौन है मैं अम्मी और वाइफ और डैडी डैडी है आते जाते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे इस घर के अंदर रहने के लिए ये 3 मेंबर रहेंगे इतने बड़े घर के अंदर अभी जो है वहाँ पे रेंट पे रह रहे हो क्या रेंट दे रहे हो 4,000 रुपया महीना जा रहा है पानी वानी पानी अलग से अच्छा पानी का अलग यानी लगभग 5,500 रुपए महीने का तो आप लोग जैसे देख रहे हो 5,500 रुपए महीने का दिन का देते 14 साल बिता दिया इन्होंने रेंट पे रहते हुए अब हमारी स्कीम देखने के बाद इनका हौसला बढ़ा और ये यहाँ आए और इनको डर भी था कि पैसे डूब जाएंगे क्योंकि एक बार इन्होंने बोला भी था कि डूब जाएंगे पैसे नहीं भाई भाई कुछ मत बोला कुछ भी डर नहीं था फोन पे बोला था ना डूब जाएंगे डर होता तो मैं अभी तक लोगों के जैसे वीडियो देखते रह जाता मैं तुरंत एक नहीं डर था ना नहीं डर था डर नहीं था तो मैं अभी तक बुक ही नहीं करता मुझे बेशक बिल्कुल डर नहीं था मैंने जैसा आपको देखा दूसरी जगह कैसा है 50% अमाउंट देना पड़ता प्लस बैंक का इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है फिर तुमको बिल्डर को दे के फिर उसके बाद आधे पैसे और देना रहते बिल्डर को फिर उसके बाद तुमको रूम का भी इंटरेस्ट है फिर बैंक का भी इंटरेस्ट है तो वो चीज तुम्हारी तो नहीं है ना तुम्हारे सिर्फ 7,500 रुपए भरना है 7,500 भरना था हाँ, अभी 8,500 भरना है नहीं 7,500 ही नहीं साढ़े आप लिए 7.5 की नहीं नहीं तो 1 लाख बढ़ा ना हाँ तो वो नहीं लेंगे ना तुम नहीं खाला अभी रूम की कीमत कितनी हुई आपकी 7.5 लाख में बुक किए थे ना तो 7.5 लाख में बुकिंग किए थे लेकिन जैसे जैसे रूम की कीमत बढ़ेगी उसका वो नहीं लेते तुमने वीडियो में बोले थे नहीं 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 तो तुम्हारे कॉपी पे रूल चेंज करेंगे नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता ऐसा मैं गारंटी नहीं लिख के देता हूं मैं पूरा लिख के दे दो हाथ बंद करके भरोसा अरे मेरे को ये गलत बात कर रहा है जैसे मैं मजाक कर रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है मैं एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कुछ भी लिखने दो तुम्हारी जबान पे भरोसा है जो तुमने बोले थे वो है बस अगर तुमको चाहिए बिल्कुल डाल दूंगा तुम्हारे पास तुम्हारे वजह से आज खुद का घर हुआ माशाल्लाह सबसे बड़ा बोलेंगे नारी भाई तुमको देना एक लाख रुपया कुर्बान कर दिया हमारे भाई के ऊपर 1 लाख रुपया कुर्बान है भाई हमारे भाई का जितने का रूम है उतने का ही रहेगा ये हमारी कमिटमेंट है जब हमारे से आप बुकिंग करते हो ना पहली ईएमआई देके
इसका मतलब है कि आपका वो रेट फिक्स हो गया। अभी आपने यहाँ पे रेट बढ़ गया है, बाजू वाले ने अगर 8.5 लाख में लिया है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो 8.5 लाख में तो आपका 7.5 लाख में, क्योंकि उन्होंने जो बुकिंग किया है। हम लोग रूम कहीं पे भी देते हैं, इनको 3-4 जगह दिखाया, इनको जो पसंद आया उनको वहीं बना के दिया, सही है ना? ऐसा कुछ था कि फिक्स था आपका? नहीं, आयत नगर में बोला था मैंने, तो आपने आयत नगर में ही दिया। अच्छा, मिल गया, मतलब आपको लगभग चांस मिल गया, फुल हो गया था आयत नगर, आयत नगर पूरा फुल हो गया था। माशाल्लाह, अभी रहने कब आएंगे मेरे को ये बताओ। चलो इंशाल्लाह हफ्ते भर 2 हफ्ते में आ जाएंगे बस। बहुत भाई कर रहे थे रूम के लिए है। नहीं, पानी रहने आ जाएंगे। आएंगे तो बस बाहर आऊंगा, तुम्हारी खिड़की दिखती घर के सामने से, रहने के लिए। तो इस वक्त जो है हमारे खाला को रूम का ताला चाबी देना तो हर कस्टमर को बनता है, जैसे हमारे सारे कस्टमर जो है ये इस चीज के लिए इंतजार करते हैं कि हमारा ताला चाबी हमको मिले। लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियोज अभी बहुत कम बनाने लगा हूँ। रीजन, मैं साइड पे जाता हूँ, अगर मेरे को रूम खाली मिले तो मैं वीडियोस बना लेता हूँ, अदरवाइज अगर कस्टमर मिले तो उनके साथ बना लेता हूँ, मुझे टाइम मिला तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ दोस्तों। लेकिन आप लोग बहुत दिन बोल रहे हैं कि कस्टमर लोगों के वीडियोस अभी बहुत कम आ रहे, तो मेरे साइड ज्यादा हो गई है, मेरे को टाइम मिलता है उस तरीके से मैं ये वीडियोस बना पाता हूँ ना। खाला सही, आप तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, वीडियो वीडियो डेली आते हैं, बट ये पजेशन वाले वीडियो थोड़े कम हुए। उसका रीजन ये है कि बस हम लोग के कस्टमर लोगों को, हम लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है रूम का पोजीशन देने के लिए। खाला मौके पे आए हैं, किस्मत हमारे ताला चाबी आपको देना है ना, क्यों ताला लेके छोड़ेंगे, मतलब ताला चाबी, ताला चाबी लेंगे। और 14 साल के बाद खाला मुझे ये बताओ कितने ताले चेंज किए रहेंगे? रोती थी कभी कभी तो। क्या बात कर रहे हो, सच में पूछो आरिफ से, काम शिफ्टिंग वगैरह बहुत रोती थी, रूम वाले जिसके रूम में रह रहे हो उनका झगड़ा ये वो है ना, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, लगता था नहीं रहे वाला जिंदगी में, इतना भाड़े के घर में टेंशन। अभी अब से और अभी से और आने वाले जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक के ये रूम को ताला चेंज नहीं करना है। ताला चेंज करना मतलब ये ताला अभी आपको कहीं दूसरी जगह मारने की जरूरत नहीं है, अब आपके रूम के अंदर लाइफ टाइम रहना है। ये रूम अभी जिंदगी भर के लिए अभी टेंशन फ्री कर चुका है आपका। बाकी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, गुफरान ने सपोर्ट किया, कलीम भाई, कलीम भाई, खाला के हाथ की मिठाई और ये सब मेरे ऑफिस पे आ चुकी है दोस्तों। नहीं, अभी इसके भी आना पड़ेगा, गुफरान खाने पाओगे पैकेट जो मेरा आज नहीं आए ना, खाली आए ना, बस हो गया खाला, जितना भी मेरे को दिया अभी मेरे को क्या मालूम था आप इधर आए हो। बस खाला अब इंशाल्लाह अब ऐसा आपका सीन रहेगा कि अब आपको कब खाली करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह एक बार सामान डालो, अब ये घर आपका है, जिंदगी भर जैसा रहना है वैसा रहो। आपके जरिए बहुत बहुत मुबारक आरिफ भाई आपको भी, नाम लेते हैं सब जी। इंशाल्लाह आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियोस बनाने का कारण सिर्फ इतना है कि हमारे कस्टमर हैप्पी रहना चाहिए। और ये खाला की ख्वाहिश थी ना, जाने मैं तो मुश्किल से यहाँ पे अचानक से पहुंचा तो मिले, खाला की ख्वाहिश थी मेरे वीडियो तेरे साथ बनना चाहिए खाली बस। और मेरी खाला की ख्वाहिश ऑटोमेटिकली पूरी हुई। देखो चाहत जो होती है ना वो पूरी होती है, बस आपको आपकी इस पे निर्भर रहना रहता है कि आपका जो है 100% बनेगा। तो दोस्तों आप लोग अगर हमारे चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आरिफ भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है, किया हूं 2021 के 2020 खाली वीडियो देख रहे हैं, अभी चैनल सब्सक्राइब करेंगे मेरे सामने, सबके सब सब्सक्राइब करो, फॉलो भी करो, और माशाल्लाह इनके वीडियो बहुत सही रहते हैं। और ट्रस्ट मी, सबसे पहली बार ये हमारे जितने कस्टमर है ना हमारे से बहुत मोहब्बत करते हैं दोस्तों। बस चेंबूर से देखा हमारे और भी कस्टमर जो है से देख के यहाँ पहुँच चुके हैं इंटरव्यू में, नहीं लेकिन आप भी जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच करने इंशाल्लाह। तो आप भी जल्दी से जल्दी बुकिंग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आरिफ भाई का घर कैसा लगा, और वीडियो को देखते रहिए और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, बहुत बहुत मुबारक। मुझे नहीं बोलिए घर आपका है कैसे भी।